साथ सिस्टीजन। दुनिया में पैर पसार था कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, अब सिर दर्द बन गया है। ओमिक्रॉन के मामले देश में सबसे तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट अब तक देश के कुल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। देश में अब तक इसके कुल 159 मामले हो गए हैं। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जहां ओमिक्रॉन के 54 मामले दर्ज किए गए हैं। बात दिल्ली की करें तो यहां आज सुबह ही इस वेरिएंट के 2 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में अब ओमिक्रॉन के कुल 24 मामले हो गए हैं। हालांकि इनमें से 12 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 12 मरीजों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बूस्टर डोज की अनुमति देने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सभी कोरोना संक्रमित के सैंपल के लिए 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाई गई हैं, जिनमें एक लैब में 400 सैंपल को रोजाना टेस्टिंग हो सकेगी। इनमें एक लैब LNJP अस्पताल में तो वहीं दूसरी लैब ILBS अस्पताल में बनाई गई है। ओमिक्रॉन की जांच के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं जो लोग ऐसे देश से आ रहे हैं जहां कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे।